बिसम अल्लाम वर हमल्वरक अपने प्यारे कलमकार और बुज़ुर्ग पेंशनर्स की खिदत में नवाज़ मोल का सलाम पहुँचे ग्रामी आज की इस वीडियो में मैं आपको ग्रुप इंश्योरेंस के हवाले से चंद आप आपके सामने रखूँगा कि एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट क्यों जो है वो ग्रुप इंश्योरेंस की पेमेंट क्यों नहीं की जाती वफाक में पंजाब में और सुबह सिंध में तो इसके साथ जो गवर्नमेंट और जो इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं मुख्तलिफ इनके दरमियामाहिदे होते हैं कंट्रैक्ट होते हैं दो तीन साल का और इस दौरान जो भी मुलाजिम फ़ौत हो ड्यूरिंग सर्विस या फिर उसकी रिटायरमेंट के पाँच साल के बाद जो है वो अगर फौत हो जाता है तो फिर को उसको सम शोल्ड जो होती है वो उसके लवाहन को अदा कर दी जाती है ये बेसिकली एक माहिदा होता है हकूमत के दरमियान मुलाजमीन की तरफ से और इंश्योरेंस कंपनी जो होती है वो मुख्तलिफ केसेस में मुख्तलिफ हुकूमतों के साथ मुख्तलिफ इंश्योरेंस कंपनीज करती हैं अक्सर जो है ना वो स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान जो है वफाक की जो एक आ, स्टेट इंश्योरेंस कंपनी है वो करती है अदरवाइज़ वो भी करती रहती है पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस तो ये तकरीब दो कंपनीज़ जो हैं ये माहदे करती हैं गवर्नमेंट के साथ गवर्नमेंट तो किया, किया ऑफ पंजाब का और स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान का वो जो माह हुआ है वो उसकी जो नोटिफिकेशन है वो भी है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ और उसमें जो जो कंटेंट्स है उस नोटिफिकेशन के वो मैं आपके सामने रखता हूँ ताकि आपको मालूम हो कि एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ग्रुप इंश्योरेंस की रकम वफाक पंजाब और सिंध में क्यों अदा नहीं की जाती तो आइए चलते हैं कंप्यूटर की जी नाजर ग्राम ये है वो नोटिफिकेशन 16 सितंबर 2020 को यह जारी हुआ था 16 सितंबर 2020 को गवर्नमेंट ऑफ पंजाब सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट प्रोविंशियल वेलफेयर बोर्ड अलफला बिल्डिंग दी माल लाहौर का ये नोटिफिकेशन है तो इसमें अगर आप नीचे आए ये है जी एग्रीमेंट ऑफ ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम विद इफेक्ट फ्रॉम फर्स्ट जुलाई 2020 ट्वेंटी टू थर्टी जून ट्वेंटी ये एक माहिदा था एग्रीमेंट साइन हुआ था स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कारपोरेशन ऑफ पाकिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के दरम्यान गवर्नमेंट ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम के हवाले से जो कि लागू था यकम जुलाई 2020 से लेकर 30 जून 2023 तक जो कि अब रिसेंटली जो है ना नेक्स्ट महीने ये मुहिदा खत्म हो जाएगा इसके बाद नया जो है वो एग्रीमेंट होगा किसी इंश्योरेंस कंपनी के साथ तो इसमें यह आप देख सकते हैं कि आई एम डायरेक्टेड टू रेफर टू द सब्जेक्ट नोटेड एंड टू इंटीमेट दैट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब थ्रू द प्रोसेस ऑफ ओपन बिडिंग has awarded contract to the state life insurance corporation of pakistan for our, for group term insurance for the employees of government of punjab for a period of three years with effect from first july 2020 to 30th june 2023 तो इसमें लिखा हुआ है कि किया है कि किया गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ए जो ओपन बिडिंग के जरिए कंट्रैक्ट स्टेल्ड लाइफ इंश्योरेंस को और जो कि मुलाजमीन हैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के उनकी वो इंश्योरेंस के जामिन होगी इस अर्सा के दौरान जकम जुलाई 2020 से लेकर तीस जून 2023 तक तो ये डिडक्शन के रेट दिए हुए हैं इतने डिडक्शन जो है वो काटी जाएगी ग्रेड एक से चार तक के जो डिडक्शन है वो गवर्नमेंट खुद पे करेगी बाकी जो है मुलाजमीन की तनख्वाहों में से काटी जाती है जैसा कि आप देख सकते हैं नीचे लिखा हुआ है कि ग्रेड एकता चार इसी में लिखा हुआ मुआदे में कि ये प्रीमियम जो है वो हर महीने गवर्नमेंट खुद अदा करेगी और पेंशन जो है केसेस जो हैं हर महीने वो जो है क्या कहते हैं Uh, तो गवर्नमेंट uh, तो इस के, के इसी तरह गवर्नमेंट ऑफ सिंध का भी है इसी तरह वफाक का भी माह है जो कि इसी साल या अगले साल गालबन खत्म होंगे तो उसके बाद नए माह होते हैं तो अगर आप इसकी शाम short की रकम देखें तो वफाक में जो है स्लैब्स दिए हुए हैं तब बेसिक पे के कि जिसका पाँच हज़ार तक बेसिक पे होगी मंथली उसकी साढ़े तीन लाख तक इंश्योरेंस होगी सम समोर यानी उसकी अगर डेथ हो जाती है ड्यूरिंग सर्विस या रिटायरमेंट के पाँच साल के अंदर जो है वो फौत होता है तो फिर उसके फैमिली को जो है साढ़े तीन लाख अदा किए जाएंगे इसी तरह ये सारे रेट्स दिए हुए हैं इसी तरह पंजाब के भी हैं ज्यादा से ज्यादा पंजाब में ग्रेड बीस से बाईस तक के जो है साढ़े बारह लाख रुपया है और इसी तरह सिंध में जो है सबसे ज्यादा है सिंध में इकतीस लाख पच्चीस हजार रुपया और ग्रेड एक से चार तक है साढ़े तीन लाख पचहत्तर हज़ार रुपया तो आगे के पी के और बलूचिस्तान की हुकूमतें जो वो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट अपने मुलाजमीन को ग्रुप इंश्योरेंस की रकम अदा कर देती हैं। अब कहने का मकसद ये है कि चूंकि ये मुहिदा एग्रीमेंट जो है ना को हो जा रहा है, त, दो हजार तेईस को खत्म होने जा रहा है तो आइंदा जो तो ये ये मुलाज़मीन की जो तनजीमें हैं वगैरह उनसे मैं मुखातिब हूँ और उनके गोश गुजार कर रहा हूँ कि आपने विजिलेंट रहना है और ये शिक आपने शामिल करानी है उस एग्रीमेंट में जो नया एगरीमेंट होगा अगले साल यानी माली साल यकम जुलाई दो हजार तेईस से जो नया एग्रीमेंट होगा उसमें यह लिखना है कि एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट यानी रिटायरमेंट के पांच साल के अंदर की बजाय ड्यूरिंग सर्विस अगर डेथ हो जाती है तो फिर ये सम इशोर्ड की पेमेंट की जाएगी फैमिली को या वो नहीं होती और रिटायर हो जाता है बंदा तो फिर एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट जितनी भी उसकी रकम बनती है विद ऑल बोनसेस वगैरह वो उसको अदा कर दी जाए तो ये कुछ मारूजा थी जो मैंने आपके सामने रखी उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी जिसे लाइक और शेयर जरूर करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें